आता हूँ सीधा पॉइंट पर। कैसे हो आप सब गाइस? काफ़ी टाइम बाद मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ और इस व्लॉग के लिए मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता होगा अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हो गए, मैं काफ़ी टाइम से एक आईफोन यूज़ कर रहा था जो कि था आईफोन 11। और गाइस अब रीसेंट अपडेट ये है कि उस फोन को मैंने सेल कर दिया है 100K में, 1 लाख का उसको मैंने सेल किया। और गाइस आईफोन 11 को मुझे सेल किए हुए ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं, इस वजह से कोई वीडियो भी नहीं आपको मिली। और अब मैं गाइस न्यू फ़ोन देख रहा हूँ और एक फ़ोन मुझे पसंद आया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। उसके प्राइस भी मुझे रीजनेबल लगे एज़ कम्पेयर टू दी अदर लिस्टिंग ऑन ओएलएक्स। या अगर मैं उसको कंपेयर करूँ मार्केट प्राइस से, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कौन सा फ़ोन मैंने एक शॉर्टलिस्ट किया है। तो गाइस अब जो फ़ोन मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस फ़ोन को बाय करने की, और होपफुली उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा बिकॉज मैंने सारी डील कर ली। आपको मैं जस्ट वो लिस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ, तो अगर तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ तो मैं वो फ़ोन बाय कर लूँगा, और होपफुली ना ही हो बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया फोन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फोन है। तो गाइस फोन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अपना एंड्रॉइड फोन भी अपग्रेड किया है, अपडेट किया है इसको। तो मेरे पास पहले था सैमसंग गैलेक्सी A51 और ये फोन मैंने ओएलएक्स से बाय किया है। इसके बाद जो व्लॉग होगा वो इसी का होगा, वो व्लॉग बेसिकली मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बट फॉर सम रीजन उसको मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सका। बट इसके बाद जो व्लॉग होगा वो इसी फोन का होगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, गैस करो आप ये कौन सा फोन है। बस आपको मेरा ख्याल से UI से वैसे आइडिया हो जाना चाहिए, और गैस जिसका गैस सही हुआ उसको मैं ये वे करूंगा। फिलहाल तो मेरे पास ये एक बैंड है, तो गेस करो जल्दी जल्दी कमेंट में बताना कि कौन सा फोन है ये। तो यहाँ भी हम खोल लेते हैं ओएलएक्स सबसे पहले। होपफुली आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी भी इस टाइम। तो किधर गई ओएलएक्स? तो गैस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ आईफोन 13 प्रो मैक्स, और जो एड मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो भी रिसेंटली लगा था, और मैंने फौरन ही कोशिश की कि डील करूँ। तो गैस मैंने अभी तक उस फोन के प्राइस भी कम नहीं करवाए, ऑन द स्पॉट ही जाके कम करवाऊंगा अगर हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 13 प्रो मैक्स 3,07,000, 3,15,000, और ये मेरे ख्याल BTA अप्रूव्ड होंगे, और ये 288, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी भी। बट गाइस जो फ़ोन मैंने यहाँ पे किए भी है 255K में, इसको भी देख लेते हैं। ओके और भी मैंने 2-3 शॉर्टलिस्ट किए थे, बट जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है, जो अभी तक जिसमें मेरा दिल आया, वो ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स 128GB। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं पिक्चर्स। सियरा ब्लू कलर में है जो कि फेवरेट है, मैंने वैसे अगर लेना था तो सिर्फ और सिर्फ इसी कलर में लेना था बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट कलर है ये आईफोन 13 प्रो मैक्स में। और यहाँ पे गाइस एक जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि इसको लगी हुई है शीट, तो ये भी हम चेक कर लेंगे कहीं इसके नीचे स्क्रैचेस ना हो। और इसके अलावा मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। और एक और चीज़ जो काफ़ी अच्छी है इस फोन के बारे में वो ये कि 100% बैटरी हेल्थ है। तो यहाँ पे ये है वो आईफोन 13 प्रो मैक्स, और आप देख सकते हो उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो है 100%। और यहाँ पे गाइस इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको दिखा देता हूँ, 128GB फैक्ट्री अनलॉक, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इसको PTA अप्रूव करवाना हुआ तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी बिकॉज फैक्ट्री अनलॉक्ड ही होना चाहिए फ़ोन। इसके अलावा ये वारंटी में भी है, विच इज़ ऑल्सो रियली गुड थिंग। तो ये गाइस फोन अब हम इसको जाके देखते हैं, होपफुली इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, और अगर इसमें कोई फॉल्ट नहीं हुआ तो यार ये फ़ोन मैं बिल्कुल बाय करूँगा। ओके गाइस, सो फाइनली आईफोन 13 प्रो मैक्स मैंने बाय कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद इस फ़ोन की जो मुझे प्राइस मिली वो थी 193, जस्ट 2000 रुपीज़ उसने कम किए, वो भी बड़ी मुश्किल से कम किए। तो ये फ़ोन है आईफोन 13 प्रो मैक्स, और इसकी जो है वो यहाँ पे शीट लगी हुई है, बट स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन है, 10/9 कह सकते हो बिकॉज कहीं पर भी मुझे इसमें स्क्रैचेस नहीं मिले। इसके अलावा गाइस अभी तक इस फ़ोन में सिम भी यूज़ नहीं की, यहाँ पर मैंने रीसेट करवा लिया था। इसके अलावा मैंने अपना जो आई क्लाउड है वो
भी इसमें ऑन कर लिया है, कुछ ऐप्स भी मैंने इसमें डाउनलोड की हैं सो दैट मुझे आइडिया हो जाए कि ये प्रॉपरली मतलब ऐप्स वगैरह भी चल रही हैं कि नहीं। इसके अलावा गाइस ये फैक्ट्री अनलॉक्ड है एज आई सेड अर्लियर, दैट्स मीन इसमें कोई भी सिम चल जाएगी। 2 मंथ्स इसमें फिजिकल सिम चलेगी, 2 मंथ्स इसमें ई सिम चलेगी। और गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी कुछ सेटिंग्स, तो अगर मैं आपको लेके चलूँ इसकी बैटरी पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी 100% है। और इसको 3U टूल पे भी बाय द वे मैंने चेक किया था तो वहाँ पे भी इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। तो गाइस ये है iPhone 13 Pro Max जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस फोन को बाय करने के लिए, बिकॉज iPhone 11 मैं 2 साल से यूज़ कर रहा था, तब से लेके अभी तक मैंने अपग्रेड नहीं किया था और फाइनली अब मैंने अपना फ़ोन अपग्रेड किया जो कि iPhone 13 Pro Max। मैंने दूसरा फ़ोन भी अपग्रेड किया जिसका व्लॉग इस व्लॉग के बाद आएगा, वैसे वो मैंने पहले लिया था बट व्लॉग अपलोड नहीं मैं कर सका, तो इस व्लॉग के बाद जो दूसरा व्लॉग आएगा वो मेरे सेकंड फ़ोन का होगा। गाइस वन मोर थिंग, इसके साथ ये मुझे ओरिजिनल केबल मिली है, बॉक्स उस बंदे से मिसप्लेस हो चुका था लेकिन उसने कहा कि अगर उसको मिल गया तो वो डेफिनेटली मुझे बता देगा, लेकिन मुझे भी पता है कि काफ़ी कम चांसेस हैं कि बॉक्स मिले, बट ये जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन, बिल्कुल साफ सुथरा। iPhone 13 Pro Max 128 GB, और आप मुझे बताओ कैसा लगा आपको ये फ़ोन और कैसी लगी ये डील। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, होपफुली आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मुझसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।